हेलो दोस्तों, आई एम ब्रदर ब्यूटी विद्या में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो है हेयर ट्रीटमेंट को लेकर। अक्सर मेरे पास ये शिकायत आती है कि मेरे बाल बहुत रफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुमही हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा टूटते हैं। जैसे कि बारिश का सीजन आ रहा है तो आपको पता ही है कि बालों का झड़ना बहुत ही नॉर्मल है। तो आज का जो हमारा हेयर ट्रीटमेंट है ये हम पूरी तरह से घर पर बनाएंगे और बहुत ही अच्छा है, 100% काम करता है, आपके उलझे बालों को भी सुलझाएगा, उनको पूरा पोषण देगा और पार्लर की तरह आपके बाल, आपकी उंगलियां जो है आपके बालों में ऑटोमेटिकली चलने लगेंगी। तो फिर देख लेते हैं इसको, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए नारियल का दूध। ये फ्रेश नारियल का दूध है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको घर पर भी बना सकते हैं। बस आप फ्रेश नारियल लीजिए, उसमें पानी डालिए और ग्रेट करके उसे छान लीजिए। तो इसको मैंने गरम कर लिया है और थोड़ा गाढ़ा भी कर लिया है, अब ये हल्का ठंडा हो चुका है। नारियल का दूध हमारे बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल लंबे होते हैं। अब मैंने लिया है एक विटामिन ई ईवॉन 400 का कैप्सूल, तो इसके हमको दो कैप्सूल चाहिए। उसी के साथ प्योर कोकोनट ऑयल। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग आजकल बहुत फेमस ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट आपको मोस्टली बड़े बड़े पार्लर्स में हर जगह देखने को मिलेगा, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको हम बहुत ही सरल तरीके से कर रहे हैं घर पर। ये हमारे बालों को डीप कंडीशनिंग देता है, ये आज का आधुनिक तरीका है। आप बहुत टाइम से बालों को धोने के बाद कंडीशनिंग करते हुए आ रहे होंगे। इसमें हम डाल रहे हैं दो विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों की स्कैल्प को मजबूत बनाता है, उसी के साथ स्प्लिट हेयर होते हैं उनको भी इम्प्रूव करता है, उनकी डलनेस को हटाता है, फिर से शाइन लेके आता है। तो जब कोकोनट मिल्क और विटामिन ई कैप्सूल मिल जाएंगे तो हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो तो बढ़ेगी ही, उसके साथ वो पूरी तरह से कंडीशन हो जाएंगे, यानी उनमें जो भी रूखापन है, उलझापन है, वो सब सुलझाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसके बाद अब हमको इसमें डालना है लगभग 1.5 चम्मच नींबू का रस, यानी मैंने ये आधा नींबू लिया है, ये मैंने इसमें पूरा का पूरा डाल दिया है। उसके बाद पहले हम इसको स्कैल्प पर लगा रहे हैं, स्कैल्प पर तेल की तरह लगा लिया है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे, आप कोई भी कंडीशनर ले सकते हैं जो आप बाद में लगाते हैं अपने बालों में, उस कंडीशनर को 1 चम्मच हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और जब हमने स्कैल्प पर लगाया तब हमने कंडीशनर नहीं लगाया है, हमने कंडीशनर लगाया है जब हम इसको नीचे के बालों में लगाएंगे। जिन लोगों को रूखे बालों की दिक्कत है या उलझे बालों की दिक्कत है या दो मुही बालों की दिक्कत है, उन सबके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बालों को सीधा करके हम इसमें पहले हल्के हाथ से लगाएंगे और उसके बाद हम सारे के सारे बालों को बाउल के अंदर लगभग 5 मिनट के लिए डिप करेंगे, क्योंकि जो कंडीशनर होता है उसको कभी भी स्कैल्प पर नहीं लगाया जाता है। इसलिए हमने जो अपना कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई ऑयल और लेमन जूस था उसको स्कैल्प पर लगाया है। और जब कंडीशनर लगाया है तो हमने इसको केवल नीचे के बालों पर यूज़ किया है। अब ये अच्छे से पूरे बालों पर लग चुका है। अक्सर होता है जब आपके बाल लंबे हो जाते हैं तो आप ऊपर तो ऑयलिंग कर लेते हैं लेकिन नीचे के बालों का आप ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो दो मुही, रूखे, बेजान और बहुत ही बेकार दिखने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के बाल होते हैं जो झाड़ू जैसे दिखते हैं। तो आप ऐसे एक जूड़ा मान लीजिए और ऊपर से इस पर लगा लीजिए एक शॉवर कैप
और आप इसको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। ये देखिए 2 घंटे बाद हल्का सा शैम्पू लेकर आप अपने बालों को धो लीजिए, और उसके बाद हमें दोबारा कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी प्री कंडीशनिंग कर चुके हैं अपने बालों में। ये जो हमारी हेयर ट्रीटमेंट की जो थेरेपी है, ये है प्री कंडीशनिंग हेयर थेरेपी। अभी मैंने बाल धोए हैं तो अभी मैंने ज़्यादा कॉम नहीं किया है बालों में। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शाइन आएगी और एकदम सॉफ्ट सिल्की हेयर आपके रेडी हो जाएंगे बिल्कुल पार्लर स्टाइल में। अभी मेरे बाल थोड़े से गीले हैं, अभी और सूख जाएंगे तो मैं इनको एक बार अच्छे से कॉम कर लूँगी। बट आप देख सकते हैं कि इनकी शाइन बहुत ही अच्छी होती है और आपके बाल बिल्कुल भी हैवी नहीं होंगे क्योंकि हम इसके बाद हल्का सा शैम्पू यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली हमें पानी से धोना है बालों को, क्योंकि हमने इसमें ऑयल भी डाला था तो हम इसमें हल्का सा शैम्पू यूज़ कर लेंगे। तो ये ट्रीटमेंट आप घर पर करके देखिए, देखिए कितनी अच्छी शाइन और हेल्थ आपके बालों की वापस आएगी।